हेलो गाइस, आप देख रहे हो इलेक्ट्रिकल प्रीतम। आज हम दिखाएंगे गोडाउन वायरिंग कैसे करते हैं। गोडाउन वायरिंग करने के लिए टू ए स्विच ले लिया और एक सिंगल ए स्विच ले लिया। अब हम क्या करेंगे, टू ए स्विच का मिडिल वायर टर्मिनल और सिंगल स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छी से टाइट कर देंगे। एक बल्ब होल्डर लेंगे। बल्ब होल्डर की दोनों टर्मिनल्स होता है, एक फेस और एक न्यूट्रल के लिए। एक वायर के टुकड़ा लेके बल्ब होल्डर के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब सेफ्टी कैप भी लगा दिया। टू ए स्विच का नीचे वाले टर्मिनल पे हम कनेक्ट कर देंगे। अच्छी से टाइट कर देंगे। और एक बात तो गाइस, मैं यूट्यूब पर नया नया वीडियो बना रही हूँ, शायद आपको पसंद ना आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और एक बल्ब होल्डर लेंगे, एक वायर लेके बल्ब होल्डर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसे भी सेफ्टी कैप लगा देंगे। अब टू ए स्विच का ऊपर वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हम न्यूट्रल की वायर कनेक्ट करेंगे। सेफ्टी कैप को खोल दिया। बल्ब होल्डर की दूसरे वाले टर्मिनल पे हम न्यूट्रल देंगे। पहले ही बोला था, एक न्यूट्रल के लिए एक फेस के लिए। फेस तो हम कनेक्ट कर लिया, अब न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे। हो गया कनेक्ट। अब दूसरे वाले होल्डर पे भी न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। अब सेफ्टी कैप पे लगा देंगे। अब हमें सप्लाई देंगे। फेस वाली वायर को सिंगल स्विच का नीचे वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे और इससे टाइट कर देना होगा। अब न्यूट्रल वाली वायर को बल्ब होल्डर की न्यूट्रल वाली वायर टर्मिनल पे एडजस्ट कर देंगे। इसे भी अच्छे से टाइट कर देंगे। हमारा कनेक्शन रेडी हो गया। अब हम सप्लाई देके दिखाएंगे ये टू ए स्विच और गोडाउन वायरिंग कैसे काम करते हैं। दोनों एलईडी को लगा देते हैं बल्ब होल्डर के साथ। अब हम सप्लाई देंगे। गोडाउन की बाहर से सिंगल स्विच को ऑन किया तो एक बल्ब ग्लो करेगा और गोडाउन के अंदर जाके टू ए स्विच को ऑन किया तो
पहले वाले बल्ब बंद हो जाएगा और आगे वाली बल्ब ग्लो करेगा। ऐसे ही गोडाउन की वायरिंग करते हैं।